फाइनली दोस्तों हम भटिंडा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, जहां पर कि प्रदीप मिश्रा जी गुरुदेव महाराज का कथा होने वाला है। तो मैं लेके चलूंगा दोस्तों, जहां पर कथा हो रहा है वहां चलते हैं। और देख सकते हैं यहां पर ऑटो लगी हुई है, इसी ऑटो से हम चलेंगे वहां जहां पर कथा स्थल है। सुनने में आया है कि स्पोर्ट स्टेडियम कोई है, वहां पर कथा स्थल है, कथा होने वाली है। तो चलिए हम चलते हैं, आप लोग बन रही स्टूडियो में। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूंगी दोस्तों कि अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है दोस्तों, अपना कपड़े लाते लेकर के आने हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है, तो अपना व्यवस्था खुद लेकर के आए। I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. देख सकते हैं यही भैया स्टेशन से लेकर के हमको आए हैं, यहीं से भैया, यहीं से बटेंडर। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह, तो चलिए चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। Walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night. तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं ये क्रिकेट स्टेडियम टाइप का है, बहुत ही खूबसूरत नजारा दोस्तों। और देख सकते हैं यहाँ पर वाटरप्रूफ पंडाल लग रही है और बहुत सारी तैयारियां यहाँ पर चल रही है, और मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। देख सकते हैं जिस तरह से क्रिकेट मैच होता है दोस्तों, उस तरह का ये स्टेडियम है जो कि बहुत ही खूबसूरत। और देख सकते हैं यहाँ पर कितनी कुर्सियां लगी हुई है, और देखिए यहाँ पर सब तैयारी चल ही रहा है। यहाँ पर सारी चेयर रखी हुई है, कॉर्पोरेट रखा हुआ है, और ये टेंट यहाँ पर भी बन रहा है, लग रहा है सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये कुर्सियां लगी हुई हैं जो कि क्रिकेट मैदान में जिस तरह से लगा रहता है दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत नजारा आप देख सकते हैं। और मैं यहां पर देखिए बी ब्लॉक लिखा हुआ है, और यहीं से प्लेयर निकलते हैं खेलने के लिए क्रिकेट, और इसी मतलब कि प्लेयरों का यहां पर रुकने का रहने का व्यवस्था होता है इसी में। और देख सकते हैं वहां पर बहुत सारी कुर्सियां चारों तरफ, मैदान की चारों तरफ लगी हुई है। यहाँ पर नाइट में देखिए जो लाइट बरता है वो भी यहाँ पर है, जो क्रिकेट मैदान में बरता है दोस्तों। और देखिए इधर सभी तैयारी चल रही है, यहाँ पर पंडाल सब बन रहा है और बहुत सारे वर्कर अभी लगे हुए हैं। हम तो दो दिन पहले ही आ चुके हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ अभी बहुत काम होना बाकी है। और कल यहाँ पर भव्य कलश यात्रा निकलेगा दोस्तों, जो कि बहुत ही भव्य होता है, और मैं उसका भी वीडियो डालने का प्रयास करूंगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये सब तैयारी चल रही है, सभी अभी यहाँ पर ये टेंट का जो सामान है सब यहाँ पर अभी अभी होना सब बाकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको अंदर लेके चलने का प्रयास करता हूँ और दिखाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर किस किस चीज का तैयारी चल रहा है। देखिए बहुत सारे वर्कर लगे हुए हैं, और ये एक टेंट लग रहा है और एक यहाँ पर बन रहा है दोस्तों, मतलब कि वाटर प्रूफ ये टेंट है, वाटर प्रूफ जो कि यहाँ पर बन करके रेडी हो चुका है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं अंदर में कितना खूबसूरत सजाया गया है। तो ये है दोस्तों भटिंडा का स्पोर्ट स्टेडियम। तो आप लोग अगर स्टेशन आते हैं तो वहां से पैदल भी आ सकते हैं, मैंने तो 20-20 रुपए देकर के आ गए, लेकिन वहां से मात्र 1 किलोमीटर की रेंज पे है ना दीदी, 1 किलोमीटर मात्र पड़ेगा होगा ना वहां से स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है दोस्तों ये स्टेडियम। और वो लोग बोलते हैं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, लेकिन 3-4 किलोमीटर है नहीं, वहां से पैदल ही आ सकते हैं आप स्पोर्ट स्टेडियम, मात्र 1 किलोमीटर है, 20 रुपए आपको देने की जरूरत नहीं है। तो आप स्टेशन उतरे और वहां से पैदल ही आप चले आए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बस मात्र हम लोग ऑटो में बैठे और 2 मिनट लगा यहाँ पहुंच गए हम लोग। तो आप लोग भी 20 रुपए देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि आप लोग पैदल ही चले आए, क्योंकि ठंडी का मौसम है और बहुत मजा आता है थोड़ा पैदल चलने में, गर्मी भी हो जाएगा बॉडी में। तो आप लोग आए तो पैदल ही आए, क्योंकि पैदल आने से बहुत आपका पैसा भी बचेगा और शरीर में गर्मी भी होगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर हमारी वीडियो अच्छा लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट करके अपना राय विचार दें दोस्तों। अगर आप कुछ अगर अधिक जानना चाहते हैं, जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट करें नीचे, मैं उसका जवाब दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।